नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना। स्वागत करती हूँ आप हमारे चैनल सहेली में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज हम आई फ्लू के बारे में, आई फ्लू के बचाव के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। भारत में आई फ्लू का खतरा बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। अचानक उभरी दिक्कत से अनेक लोग जूझ रहे हैं। आई फ्लू का खतरा संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और एक से दूसरों में यह इन्फेक्शन रफ्तार से फैल रहा है। पिंक आई, रेड आई, आई फ्लू भी कहते हैं। वही कहा जा रहा है कि आई फ्लू एक कोविड महामारी का संकेत हो सकता है। इस आई फ्लू से बचने के लिए इम्यूनिटी को तो बड़ी भूमिका निभाती है, साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। मानसून इम्यूनिटी आई फ्लू को बढ़ाने का कारण बनाती है। साथ ही यमुना में आई बाढ़ को भी इस इन्फेक्शन की वजह बताया जा रहा है। पिंक आई दो मानसून इम्यूनिटी आई फ्लू को बढ़ाने का कारण बनाती है। साथ ही यमुना में आई बाढ़ को भी इस इन्फेक्शन की वजह बताया जा रहा है। पिंक आई दो तरह की होती हैं। पहली वो जिसका कारण वायरस होता है और दूसरी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली पिंक आई आमतौर पर नाक से आँखों तक फैलती है और पहली खांसी छींक आना शुरू होती है, फिर सूक्ष्म कण आँखों में चले जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। आई फ्लू होने पर आँख लाल दिखने लगती है, आँखों में दर्द होने लगता है, आँखों से पानी निकलता है, आँखों की ऊपरी परत धुंधली हो जाती है, उस पर चिपचिपा पदार्थ नज़र आने लगता है। आई फ्लू होने पर आँखों को बार बार छूने पर परहेज करना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को अगर आई फ्लू हो गया है तो उन्हें 3 से 5 दिन पर घर पर ही रहने को कहें। आँखों में दवा डालें और जब इन्फेक्शन कम होने लगे तब घर से निकलें या लोगों से मिलें। आई फ्लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, बहुत गंभीर स्थिति में 10 से 14 दिन या फिर 1 महीने तक रह सकता है। बैक्टीरियल पिंक आई इन्फेक्शन हो तो 10 दिन तक दिक्कत करता है। आंखों को बार बार रगड़ने से परहेज करें। अपने पास साफ टिश्यू पेपर या रुमाल रखें। आंखों से निकले पानी को उसे साफ करें। आंखें रगड़ने से बचें इसे, क्योंकि इससे दिक्कत बढ़ सकती है। गर्म रुमाल को आंखों पर रखने से आराम मिल सकता है। आंखों में हो रही दिक्कत गर्म सिकाई से कम हो सकती है। गर्म रुमाल को आंखों पर रखने से आराम मिल सकता है। आंखों में हो रही दिक्कत गर्म सिकाई से कम हो सकती है। आंखों की सही तरह से सफाई करना जरूरी है, इसलिए आंखों को गंदे हाथ से बार बार छूने से बचें। रोज नहाएं, आंखों को पानी से साफ करें। जिन लोगों को आई फ्लू है उनको पास आने से परहेज रखें ताकि आपको संक्रमित ना हो। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।